अच्छा जी, ये मैंने जी अपने लिए मज़ेदार सा जूस रेडी किया है और फ्रेश अभी अभी मैंने इसमें मशीन से निकाला है, और बड़े मज़े का टेस्टी जूस जो कि आयरन के लिए बहुत अच्छा है और जी ब्लड की कमी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैंने डाला है ऑरेंज एक, और एक एप्पल, और एक चुकंदर, और एक मैंने इसमें कैरेट डाली है। तो ये देखिए, इन सब का जो है ना मैंने मिक्स जूस निकाल ली है, ये देखिए फ्रेश बिल्कुल। और ये जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी मुझे डॉक्टर ने ब्लड की कमी बताई है, जब भी मुझे आयरन की कमी हुई है, मैंने ये फ्रेश बना के जैसे ही घर में निकाला है, माशाल्लाह पिया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बड़ा टेस्टी बनता है, बड़े मज़े मज़े का बनता है, जिस तरह के इसके कलर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं, और ये पीने में भी उतना ही टेस्टी बनता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी झटपट वाली जो है बिरयानी। ये देखिए बिरयानी का मसाला प्याज और लहसुन अदरक मैंने डाल दिया, अब चिकन ऐड करने लगी हूँ, बिरयानी बनाने लगी हूँ। बिरयानी खाते ही हम लोगों ने निकलना है सफ़र पे, और हमने कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो काफ़ी मैंने जो है ना लेट ही खाना पकाना शुरू किया है, वो इस वजह से कि अदील साहब कह रहे थे बाहर से रास्ते से ही कुछ खा लेंगे, लेकिन बाहर और रास्ते का जो ऑप्शन होता है ना वो सोचने वाला बहुत होता है कि क्या खाएं क्या खाएं। अच्छा जी, हम तो खा लेते हैं लेकिन फिर बच्चों का होता है, बच्चे क्या खाएं क्या खाएं, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना मुझे काफ़ी कंफ्यूज करता है कि घर में अगर हर चीज़ अवेलेबल है तो घर में झटपट बना के पका के पेट भर के फिर ही घर से निकला जाए। तो ये जो रास्ते का ऑप्शन होता है ना कि रास्ते से खा लेंगे, तो वो वाला ऑप्शन जो होता है ना मुझे कंफ्यूज करता है बस। तो अभी मैं बना रही हूँ झटपट बिरयानी, तो आप लोगों को अपनी जो है बिरयानी भी शेयर करती हूँ, उसकी रेसिपी झटपट वाली रेसिपी। मैंने तीन प्याज डाले हैं इसके अंदर, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और एक चिकन डाली है मैंने। अब बस इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। यहाँ मैंने एक प्याली जो है ऐड कर दी है दही की, टमाटर से पहले। अब मैं दही के साथ इसको भूनूंगी। अच्छा, इसमें मैं अभी भूनने के बाद सिर्फ ऐड करूंगी ये लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, यानी तेज़ नहीं है इतनी, सिर्फ कलर देती है। तो मैं ये थोड़ी सी ऐड कर दी मैंने, और ये अपना जो है गरम मसाला मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा, ये गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, बस अपने मसाले ऐड कर दिए मैंने थोड़े से। अब मैं इसमें डालूंगी तीन टमाटर, मैंने छोटे से काटे थे दरमियानी साइज वाले, वो डाल दिए मैंने। अच्छा जी, मैंने इसकी भुनाई कर ली है, अब चार जो है ना मैंने आलू बुखारे डाले हैं इसमें, और अब मैं शान का जो है बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा इमली का पानी मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें। मसाला हो गया रेडी, अब हरी मिर्चें और पुदीना मैंने डाल दिया है। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और उसको रख दूंगी दम पे। हो गया रेडी, अब मैं करने लगी हूँ दम बिरयानी को। उससे पहले मैं डालती हूँ थोड़ा सा लेमन ऊपर चावलों के ऊपर, फिर उसके बाद डालूंगी फूड कलर। हो गई है रेडी। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और आदिल साहब को भी लगी है, सब आ चुके हैं। तो बस अभी दम जो है ना मैं करने लगी हूँ मिक्स। मोहम्मद क्या हुआ है बेटा, खाना लग चुका है? तो ये अभी जो है ना, ओहो क्या खुशबू है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह क्या खुशबू है, काश आप लोगों को मैं टेस्ट करा पाती। ये बिरयानी रेडी, झटपट वाली बिरयानी, और शक्ल देख लीजिए आप लोग। हम हो गए हैं रेडी शेडी बाहर जाने के लिए, और सफ़र हमारा जो है अब होगा स्टार्ट। और मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ, ये पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, फुल ड्रेस मैंने पहना था पहले भी ये,
और जी इसके साथ पहले मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया था, तो अब मुझे जो है ना इसका जो टच है ना ऑरेंज बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने ऑरेंज ले लिया है। ये आगे से इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मुझे ये ड्रेस, मेरा फेवरेट ड्रेस हो गया। जितनी मैंने शॉपिंग की है उसमें ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। और जी ये क्या हुआ क्या हुआ, अब इनको है कि दुपट्टा मैं पहनूं, दुपट्टा मैं भी लूं। और जी आशा इनाया रेडी हो रही हैं दुआ पढ़ने के लिए, और दुपट्टा ले लिया इन्होंने मोहम्मद साहब ने। इनाया आप जब तक दूसरा दुपट्टा पहन लो, मैं आपको देती हूँ अपना। अच्छा जी, अच्छा जी आप भी पढ़िए पढ़िए, वेरी गुड। अच्छा जी हम सफ़र की दुआ भी यहीं पढ़ लेंगे। चलो जी सफ़र की दुआ पढ़िए। वेरी गुड। उसके बाद हम जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। वेरी गुड, सबसे अच्छी दुआ मेरे मोहम्मद ने पढ़ी है जी। मोहम्मद बोलो अल्लाह, अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह नहीं बोलना, नहीं पढ़ना अल्लाह, अल्लाह नहीं पढ़नी, अल्लाह मियाँ नाराज हो जाएंगे। ज़ैनब बोल रही है अल्लाह मियाँ नाराज हो जाएंगे हैं? अच्छा आप पढ़ो, वो कह रहे पहले आप पढ़ो। अच्छा अपना बैग नहीं, ज़ैनब का लेना है आप, नहीं आप अपना उठाइए, अपना उठाइए। चले देर हो रही है, पापा ने सब कुछ बंद कर दिया है, पापा पौधों को पानी देते फिर रहे हैं, परिंदों का पानी, परिंदों का खाना पूरा करना है। चल रहे हैं, चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। मोहम्मद साहब से सब्र नहीं हो रहा। इनको भी मास्क दो, इनको भी मास्क दो, इनको भी मास्क चाहिए। जो बहनें करेंगी वही चीज़ इसको भी चाहिए। इनको मैं इतना समझाती हूँ कि जो आप लोग अपनी चीज़ ले रहे हो पहले इसको दे दिया करो, ताकि ये रोए ना। ऐसे नहीं पहनते, ऐसे नहीं पहनते मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद बाय 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 जी। सफ़र स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए बच्चे भी सेट होके रेडी होके बैठ गए हैं। अभी यहाँ से आदिल साहब लेंगे हल्के हल्के लाइट से मैट्रिस बच्चों के लिए, ताकि इजीली सफ़र हो सके। और जी सफ़र लॉन्ग है तो इसलिए मैंने भी अंबाया उतार दिया, ऑलमोस्ट मेरा ब्लैक ही सूट है और रात का सफ़र है तो इस वजह से ईजी होके बैठे हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है हम जिस मकसद से जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है कि मेरा वो मकसद पूरा हो। और क्योंकि आगे टाइम नहीं है हमारे पास, आगे ऑपरेशन है। और जी साथ साथ ये है कि आपको पता है कि जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग का यही मसला होता है कि चाहे जितने भी VIP शिफ्टिंग वालों को हम बुला लें, अच्छे से अच्छी कंपनी वालों को हम बुला लें, लेकिन जो औरत अपने हाथों से नहीं करती है वो तसल्ली नहीं करती है। तो इस वजह से कि मुझे यह था कि ऑपरेशन के बाद शिफ्टिंग करना मेरे लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा, तो इस वजह से ये फैसला ले रहे हैं हम लोग के भी शिफ्टिंग से पहले घर देख लें, फिर उस हिसाब से जी पता चलेगा कि वहाँ हमें घर किस हिसाब से मिलता है और कितना बड़ा मिलता है, कैसा मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ का सामान हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ का सामान कौन सा हमें पैक करना है, कौन सा साथ लेके जाना है और कौन सा यहाँ सेल करना है। तो वो हिसाब किताब ज़रा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, हर फैसला हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले होना घर है और बच्चों का स्कूल है। तो बस आप लोगों ने मेरा ये जो मकसद है, मेरी जो प्लानिंग है, आप लोगों ने ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखना है कि मेरा अल्लाह ताला ये मसला हल कर दे और मेरा ये जो है मकसद ये पूरा हो जाए। और जिस तरह का हम चाह रहे हैं, जैसे हम सेटअप चाह रहे हैं वैसे हो जाए इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की मुझे बहुत सारी सपोर्ट है और आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं मेरे साथ, मुझे यकीन है आप लोग बहुत दुआएं दोगे, आप लोग बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ भी रहेंगी मेरे इंशाल्लाह ताला। और दिन हमारे पास यही है दो, क्योंकि उसके बाद हो जाएंगे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट।
तो बस यही है कि टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से जो है ना, इसलिए हम जो है ना जा रहे हैं कि ये 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन ही हैं, हम इसके बाद दोबारा चक्कर नहीं लगा सकते, बार बार घर ढूंढने थोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि घर ढूंढने के लिए मेरे ख्याल से आदिल साहब का जो सफ़र है यहाँ से हो गया स्टार्ट, तो ये भी ओपन हो गया है, आदिल साहब का बाजा अब ये चलेगा एंड तक है, आदिल साहब की पावर, सफर की पावर है। हम लोग ताइफ में पहुंचे हैं, सील कबीर पे हम लोग, ताइफ में नहीं पहुंचे, सॉरी, ताइफ का रास्ता जो सील कबीर का है वो लिया है हम लोगों ने, हदा से नहीं जा रहे हैं हम लोग। और आदिल साहब भी गए हैं मेरे लिए ब्लैक टी लेने, और बच्चों के लिए लेने गए हैं चूटर पूटर। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनको ऐसे चादरें लपेटी हुई हैं जैसे बहुत सर्दी बर्फबारी में ये लोग जा रही हैं। चीजें जी आ गई हैं और मेरी चाय भी आ गई। आदि आपने अपनी नहीं ली चाय? अपनी चाय नहीं ली? और यहाँ मोहम्मद साहब का हो रहा है पैंपर चेंज, मोहम्मद साहब को आ रही है नींद। वाह, ये लो, इसमें से क्या क्या चाहिए ले लो। आराम से आराम से आराम से, वन बाय वन सब लो। चॉकलेट वाले बिस्किट दो मोहम्मद को। अच्छा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छा वो भी ले लो आप। और आपने अपने फ्रिज में क्या रखा हुआ है? ये जादू का बॉक्स है। ठंडा पानी जरा मुझे भी दे दे, ठंडा है ये। यहाँ पे हो रही पैसे ठंडी। और मोहम्मद को क्या दिया आप लोगों ने? चॉकलेट वाला बिस्किट देना मोहम्मद को भी। हाँ, चॉकलेट वाला बिस्किट है उसमें एक, मैंने देखा है शॉपर में। हाँ, मोहम्मद से शेयर करना। अच्छा जी, घर ढूंढने के लिए मैं रियाद जा रही हूँ, और रियाद ही हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, यही कंपनी हमें वहाँ अब मूव कर रही है। बस ये है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बस रिस्क लगाए रखे अल्लाह ताला, और रिस्क लगे रहें, रिस्क में खैर व बरकत रहे। तो बस यही है कि थोड़ी सी मेहनत है, बस मेहनत से बंदा नहीं डरता है, अल्लाह ताला बस रिस्क लगाए रखे, यही अल्लाह ताला से दुआ है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हर मामले में खैर करेंगे इंशाल्लाह। हर मेहनत के बाद आसानी है, और मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, ये मेरी सोच। ये मैंने जूते वूते भी आराम से उतार के रिलैक्स होके बैठी हूँ मैं। आदिल साहब यहाँ उतरे हैं, आदिल साहब यहाँ देखने गए हैं बच्चों के लिए मैट्रिस जो हल्के से मिलते हैं, ताकि जो है बच्चे यहाँ आराम से लेट सकें। लेकिन मैट्रिस यहाँ मिलेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा, छोटी सी शॉप है, आगे जाके देखना पड़ेगा। मस्क पूछो इसे, क्या बोलते हैं इसको? मस्क। व्हाइट कलर का, रेड कलर भी है। हाँ, कितने का दे रहा है, कितने का दे रहा है? ये जिस्म पे लगाते हैं, इसकी जो खुशबू है ना नहीं जाती है, हैं? क्या 10 रियाल का दे दो बोलो। ये अगर आपने बॉडी पे लगा लिया ना, तो ये बिल्कुल इसकी जो खुशबू है ना नहीं जाती है, ये मस्क इतना अच्छा होता है ये। मोहम्मद को कुछ पता वता चलता है नहीं। आदि बालों वाली पूछो, बालों की अतर, बालों वाली नहीं है। एक आती है अतर बालों में लगाने वाली, जब आप नहा के निकलो उसके बाद आप हल्के हल्के जो है ना वो अतर अपने बालों में लगा लें, उसके बाद जो खुशबू रहती है बालों में वो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। मैंने जब पार्लर में जॉब करती थी मैं तब यूज़ करती थी बालों में, क्योंकि जद्दा में अक्सर पसीना आता है, तो बालों में खुशबू रहती है उसमें, बहुत अच्छी।
ये जो मस्क होता है या ये बालों की जो अतर होती है, ये मैं हमेशा जो है ना ऐसी ही जो ठेलों पे होते हैं उन्हीं से लेती हूँ और या हाईवे से लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। अब ये फुल करके दे रहा है शीशी, छोटी सी 10 रियाल की दे रहा है। लेकिन मस्क होता ये हाँ, ये मस्क तबियत है, ये मस्क होता है। 10 रियाल का ये भी दे, हाँ बोलो 10 रियाल का ये भी दे। अच्छा जी ये देखिए, ये 10 रियाल का इसने मुझे दिया है, ये देखिए। अच्छा भाई ये देखो बस। बाकी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी आप बालों में यूज़ कर सकते हैं, मैं ये बालों में यूज़ करूँगी और जो मैं वाइट वाला ले रही हूँ वो मैं बॉडी के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए ये जो वाइट होता है ये असल जो है ना ये बॉडी का मस्क होता है, ये असल मस्क है, यानी वाइट कलर में इस तरह का होता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, दोनों मैंने ले लिए। क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रियाद, और हम लोग रात के 8 बजे ईशा के टाइम ही चले थे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो ये हो रहा है 7:51 और AM है, यानी पूरे 12 घंटे है ना, पूरे हाँ रेस्ट किया है, सोए हैं थोड़ा, अदील साहब ने भी रेस्ट किया और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। बच्चों को ये देखिए, बच्चे टुन हैं और मोहम्मद साहब ये मेरी गोद में हैं, सो रहे हैं और हालत काफ़ी टाइट हो चुकी है हम लोगों की। बस ये देखिए दिन का नज़ारा, रात का सफ़र शुरू किया था, दिन हो गया है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा करेंगे रेस्ट सुकून। फिर जी अभी टाइम जो हो रहा है वो सुबह के 8 बज रहे हैं, और जी हमने रेस्ट करनी है, सोना है, उसके बाद हमने उठना है जोहर में। जोहर में जो है हमने जाना है बच्चों को लेके स्कूल, जाके पता करना है, उसके बाद जो है मैं सर्च जो है निकलूँगी घर के लिए, तो वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो अभी ये व्लॉग करते हैं यहीं एंड, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब आप लोग ही हैं, मेरे सब्सक्राइब की पावर और आप लोगों के हाथ में है ये सारी पावर, जो आप लोगों ने मेरा जो है चैनल आगे बढ़ाना है, मेरे सब्सक्राइब आगे बढ़ाने हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो बनते ही हैं, इतना लंबा सफ़र किया है मैंने और मुझे गुड लक तो आप देंगे ही ना। तो बस बच्चे ये अभी जो है नींद अपनी पूरी करके उठ के बैठे हैं, तो बस करते हैं एंड व्लॉग का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़। ज़ैनब बोले मेरे चैनल को लाइक कर दें, हम भी चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी दे दें, सब्सक्राइब भी दे दें। चलें जी। Thank you.